सुजानपुर में नापतोल विभाग के द्वारा चिल्ड्रन पार्क में नापतोल यंत्र को सत्यापित करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई। व्यापारी वर्ग से विभाग ने आह्वान किया कि वे अपने अपने मापतोल यंत्रों को सत्यापित करवाने के लिए यहां पहुंचे। एनके ठाकुर, जिला अधिकारी मापतोल विभाग, ने जानकारी देते हुए बताया कि मिठाई विक्रेता ग्राहकों को सामान देते समय डब्बे को अलग से वजन करें ताकि ग्राहकों को सामान कम ना मिल सके। वहीं उन्होंने बताया कि शुक्रवार तक सभी दुकानदार अपने अपने नापतोल यंत्र यहां आकर सत्यापित करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की टीम इसके बाद मुख्य बाजार में उचित निरीक्षण को भी निकलेगी और अगर किसी दुकानदार ने उन्हें सत्यापित वाला फॉर्म नहीं दिखाया तो उसके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सभी व्यापारियों से आह्वान किया है कि वे विभाग का सहयोग करें। पिछले सोमवार से डेट चली है, एक बार पहले बाहर बाहर के व्यापारी थे, अब इस सोमवार से सभी व्यापारी जो लोकल व्यापारी या बाहर के जो भी रह गए हैं, शनिवार तक अपने बाटे माप पास कराए, शुक्रवार तक 12 बजे तक, और अगर फिर भी कोई नहीं कर पाता है तो समय पर हमें कोई सूचित करे कि किस बारे में नहीं करवा रहे हैं। इसके बाद विभाग दुकान पर जाके एक्शन लेगा और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो अपने अपने बाट माप समय पर सत्यापन कराएं। और जैसे कि हमने ये भी कहा है कि जैसे आजकल कोल्ड ड्रिंक्स चला हुआ है, उसकी MRP से ऊपर कई दुकानदार चार्ज कर रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए उस पर ध्यान दें। और जैसे बाहर के व्यापारी है, अगर कोई रह गए हैं तो उनको भी ये है कि वो समय पर आ जाए, शुक्रवार तक सबके पास समय है, जो भी है लोकल है या बाहर के हैं, समय पर सत्यापन कराया। सर, क्या दंड जो है व्यापारियों के लिए सुनिश्चित किए गए हैं? क्या जुर्माने का प्रावधान भी किया जाएगा? पकड़े जाने पर क्या कहेंगे आप? पुलिस के जुर्माने का प्रावधान भी है, इसमें हमारा जो विभाग है 2,000 मिनिमम 2,000 रुपये भी है, कईयों में 25,000 रुपये भी है, 50,000 रुपये भी है, 1,00,000 रुपये भी है। तो इसमें ध्यान दें, समय पर अपने अपने सत्यापन कराएँ और जो पैकेज कमिटी है उसका भी ध्यान दें, MRP के ऊपर नहीं लाएँ, और जो हलवाई है वो डिब्बे सहित मिठाई का वजन ना करें।